हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो डेटा स्ट्रक्चर की इस क्लास में आज हम बात करेंगे यहाँ पे ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ये डेटा स्ट्रक्चर की आई थिंक 9th या 10th वीडियो है जिसमें हम ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ट्री ट्रैवर्सल हम कैसे कर सकते हैं। हमने देखा था ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए 3 मेथड होते हैं, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तीनों को हमने विद एग्जाम्पल देखा था। मैं आशा करता हूँ कि आप प्रीवियस वीडियोज़ हैं, सारी वीडियोज़ हैं उनको आप देख रहे होंगे, तभी आप इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे होंगे। सो इस वीडियो में बात करेंगे ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्या ग्राफ के यूजेज हैं रियल लाइफ में, क्या इसके एप्लीकेशन से, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं राजस्थान कंप्यूटर या फिर और भी कोई कंप्यूटर के रिलेटेड एग्जाम होती है उनके लिए कोर्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम राजस्थान कंप्यूटर टीचर के लिए यहाँ पर कंप्यूटर का कोर्स यानी पेपर 2 का कोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 4 से 5 सब्जेक्ट हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे कोर्स हैं वो विद क्लास नोट्स यानी PDF आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आपको कमेंट करके वीडियो को बताना होगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, वो भी आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बात करेंगे हम यहाँ पे ग्राफ के बारे में। सो सबसे पहले बात करते हैं ग्राफ क्या होता है। ठीक है, ग्राफ होता क्या है, जैसे आपने देखा था कि ट्री क्या होता था। ट्री को हम देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ नोड, फिर कहें से कलेक्शन ऑफ नोड इज कॉल्ड ट्री, जिसमें कुछ नोड्स होते हैं, जैसे लिंक लिस्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है। सेम इसी तरीके से ग्राफ क्या होता है, ग्राफ को भी हम कह सकते हैं। ग्राफ क्या है, ग्राफ इज ग्रुप ऑफ वर्टिसेस एंड एजेज, वर्टिसेस और एजेज का ग्रुप है या कलेक्शन है, क्या कहलाएगा यहाँ पे, ग्राफ कहलाता है। अब वर्टिसेस का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इसका मतलब होता है नोड, और एज तो आपको पता ही है, एजेज जो कनेक्ट करता है दो नोडों को। सो ग्राफ क्या हुआ, ग्राफ इज द कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस और एजेज, या कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्टिसेस एंड एजेज। वर्टिसेस का मतलब आप समझ सकते हैं नोड्स। तो क्या हुआ, ग्राफ क्या हुआ कि कुछ नोड्स हैं और वो आपस में एजेज से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सो इसको अगर मैं डायग्राम की सहायता से बताऊं तो क्या हो जाएगा ग्राफ, मान लीजिए कुछ नोड्स हैं, ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया सी, डी, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये एक यहाँ पे ग्राफ हो जाएगा। अब हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी, ग्राफ क्या है, ग्राफ इज ग्रुप ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। सो ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वर्टिसेस मतलब कि कुछ नोड्स हैं, ये हो गए नोड्स और ये क्या हो गए हमारे पास एजेज, इनका कलेक्शन है। तो यहाँ पे ग्राफ क्या हुआ, वर्टिसेस एंड एजेज का कलेक्शन है। और एजेज क्या काम करती हैं कि दो वर्टिक्स को ज्वाइंट करने के लिए, या कह सकते हैं कनेक्ट, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए काम में ली जाती हैं। सो यहाँ पे नोड या वर्टिक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे V से। तो V नोड कितने यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 तो यहाँ पे नोड्स हैं। और एजेज को रिप्रेजेंट करेंगे E से, तो एज कितनी हुई यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एजेज हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो वर्टिक्स कितने हुए, 5, मतलब 5 यहाँ पे नोड हैं और 6 यहाँ पे एजेज हैं। एजेज क्या करती हैं, वर्टिक्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के काम में आती है। सो हमने यहाँ पे अभी देखा था कि नोड क्या है, नोड इज द ग्रुप ऑफ वर्टिसेस एंड एजेज। सो अगर हम ग्रुप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्रुप क्या हुआ, ग्रुप इज द कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेज। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, अगर हम बोलें तो ग्रुप मतलब जी क्या हुआ, वर्टिक्स और एजेज का कलेक्शन है। ये आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें तो ट्री हमने पढ़ा था, ट्री डेटा स्ट्रक्चर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ट्री में हमने देखा था कुछ इस तरीके से नोड ही होते थे और वो एक दूसरे से ऐसे कुछ कनेक्टेड होते थे। सो ग्राफ भी कुछ इसी तरीके से है, बट इसमें क्या हुआ कि एक साइकिल बन जा रहा है। ट्री में ऐसे साइकिल नहीं होते थे,
मतलब एक सर्कल ऐसे नहीं बनता था, साइकिल नहीं बनता था ट्री में, बट इसमें क्या हुआ, एक यहाँ पे साइकिल बन जा रहा है, लगभग ट्री के जैसा ही, बट इसमें क्या है, एक साइकिल बन जा रहा है, मतलब नोड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो एक सर्कल बन जाता है यहाँ पे, इसलिए ग्राफ को हम यहाँ पे साइक्लिक ट्री भी यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ग्रुप है उसको हम एक साइक्लिक ट्री की फॉर्म में भी देख सकते हैं, मान सकते हैं। सो ग्रुप क्या हुआ, साइक्लिक ट्री, मतलब एक ट्री ही है बट वो एक साइक्लिक है, मतलब एक सर्कुलर, उसमें एक साइकिल बन जा रहा है क्योंकि नोड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जबकि ट्री में ऐसा नहीं होता था, ट्री में बस एक ब्रांचेज निकलती थी, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती थी, एक साइकिल नहीं बनता था। सो ग्राफ को एक साइक्लिक ट्री के रूप में भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो इस वीडियो या मतलब अभी तक हमने ये समझा है कि ग्राफ क्या होता है और ग्राफ को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी यहाँ पे। अब हम बात करते हैं ग्राफ बेसिकली इसके यूज क्या है, ठीक है, मैं एक इस डायग्राम को वापस बना लेता हूँ, आगे समझने के लिए काम आएगा। लेट्स से ए बी सी एंड दिस इज डी ई, ठीक है, ये ग्राफ है हमारे पास में, ओके, जिसमें पांच नोड हैं और छह इसमें एजेज हैं, ओके। सो वर्टिसेस कौन कौन से हैं ये तो आपको पता होगा, इतना तो बताने की ज़रूरत है नहीं, ए बी सी डी और ई, ये क्या है, वर्टिसेस हैं। और अगर हम बात करें एजेज की, तो एजेज कौन कौन सी है, उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक एज कौन सी है, ए बी, ए बी, एक कौन सी है, ए डी, ए बी हो गया, ए डी हो गया, एक हो गया बी डी कॉमा बी सी कॉमा डी ई कॉमा सी ई, तो ये क्या हो गई हमारे पास, एजेज हो गई, छह एज हैं, पांच यहाँ पे वर्टिसेज हैं, ऑलराइट, आपको समझ आ गया, ए बी सी डी ई तो नोड हैं और भुजा हो गई, जो ए बी बी सी सी डी ऐसी इस तरीके से भुजा हो जाएंगी जो एक दूसरे नोड को यहाँ पे कनेक्ट करती हैं, ऑलराइट, तो इतना यहाँ पे समझ आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, सॉरी हम बात कर रहे थे, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इसके एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन मतलब ग्राफ का यूज कहाँ पे होता है। इस प्रकार का डेटा हमने देखा था कि ट्री का यूज कहाँ पे होता था, जब भी कोई ऐसा हायरार्की होती है तो उस टाइप के नोड डेटा को स्टोर करने के लिए ट्री का यूज करते थे, बट इस टाइप के डेटा को कहाँ स्टोर करेंगे, इसका यूज कहाँ पे होता है। सो इसका यूज बहुत जगह इसका यूज होता है, जैसे हम एक अगर एग्जाम्पल लें, कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो आप देखेंगे गूगल मैप, ठीक है, गूगल मैप्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि जो भी मैप्स हैं, जो भी, ठीक है, जो भी रास्ते हैं उनको मैप करने के लिए गूगल मैप का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। सो गूगल मैप्स में इसका यूज होता है। और हम बात करें यहाँ पे जो नेटवर्किंग में भी इसका यूज होता है, नेटवर्किंग में, राउटिंग वगैरह में, यहाँ पे राउट्स को स्टोर करने के लिए यहाँ पे इसका यूज होता है। और जैसे फेसबुक वगैरह है, इनमें भी इसका यूज होता है, फेसबुक वगैरह में इसको फ्रेंड्स को स्टोर करने के लिए इसका यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई एक फ्रेंड है, अब इसके अदर फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, तो वो इस तरीके से इसके नोड से रिप्रेजेंट किए जाएंगे इस तरीके से कुछ, ठीक है, तो यहाँ भी इसका यूज होता है। तो कई रियल लाइफ इसके एप्लीकेशन से जहाँ पे ग्राफ का यहाँ पे यूज होता है, ओके। तो अब हम आगे बात करते हैं, इसके यूजेज हमने देख लिए, अब हम बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, ग्राफ से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। पहला तो हो गया पाथ, पाथ क्या होता है, तो रास्ता, मतलब कि एक नोड से दूसरे नोड तक जाने का रास्ता पाथ कहलाएगा। जैसे पाथ होता है एक नोड से दूसरे, मान लो मुझे किसी एक नोड जिसको बोलते हैं स्टार्टिंग नोड या इनिशियल नोड बोल सकते हैं, और एक दूसरा नोड होता है लास्ट नोड जिसको बोल सकते हैं या तो डेस्टिनेशन नोड, ओके, सोर्स नोड मतलब जहां से जाना है और डेस्टिनेशन मतलब जहां तक जाना है। सो सोर्स और डेस्टिनेशन दो नोड्स के बीच में जो रास्ता होता है वहां तक पहुंचने के लिए एजेज के द्वारा पहुंचते हैं। मान लो मुझे ई तक जाना है, ए से ई तक जाना है, तो ए से ई तक जाने के रास्ते कई हो सकते हैं, ऐसे ए से बी ऐसे जाएंगे, एक तो ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, एक रास्ता हो गया, एक ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे, ये दो रास्ते हो गए, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो ये वाले तीन रास्ते हो सकते हैं। सो पाथ क्या हुआ, एक नोड सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक जाने का रास्ता, जो एजेज हैं उसके बीच में, वो पाथ कहलाएगा। सो पाथ आपको समझ आ गया होगा कि एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने के लिए जो भी रास्ता है, जो भी एजेज हैं, नोड्स हैं, वो यहाँ पे
पाथ कहलाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, मान लो आपको ए से ई तक जाना है, तो ए क्या हो गया यहाँ पे, ए को बोल देंगे हम एक तरीके से सोर्स नोड, मतलब यहाँ से हमको जाना है, और ये क्या हो गया डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन आपने देखा होगा ना, जब गूगल मैप में आप देखते हैं तो वो पाथ इसी के द्वारा यहाँ पे स्टोर किया जाता है, इसका यूज किया जाता है गूगल मैप में बहुत ज़्यादा। सो सोर्स नोड हो गया, डेस्टिनेट हो गया। अब अगर ए से ई तक जाने के लिए पाथ क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास में, ए से ई तक जाने के कई पाथ हो सकते हैं। एक पाथ तो क्या हो जाएगा कि हम ए से ई तक जाना है, हमें ए से बी जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे बी से सी जाएंगे, और हम सी से ई जाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे, हम ए से डी जाएंगे और डी से ई जाएंगे। और तीसरा क्या हो सकता है, हम ए से बी जाएंगे, बी से डी जाएंगे और डी से ई जाएंगे। तीन पाथ हो सकते हैं ए से ई तक जाने के लिए, बट इनमें अब ऐसा हो सकता है कोई पाथ बड़ा होगा, कोई पाथ छोटा होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो इनमें ये सबसे छोटा पाथ है, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ए से डी जाओ, डी से ई जाओ, डायरेक्ट हम पहुँच रहे। तो ये हो गया यहाँ पे ग्राफ के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी। और भी यहाँ पे बात करते हैं, जैसे एक होता है यहाँ पे वेट, यहाँ पे एक टर्म आती है। तो वेट क्या है, वेट बेसिकली जो भी एजेस होती है उनको कोई एक वैल्यू असाइन कर दी जाती है, वो होता है वेट। वेटेड ग्राफ भी होता है एक, जिसमें क्या करते हैं कि जो भी एज है मान लो ए से बी, इसको कोई एक वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है कि ए से बी तक जाने का क्या कॉस्ट है, या कोई और भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी एक नंबर असाइन किया जाता है उसको वेट बोलते हैं उस ग्रुप, ठीक है। तो ए से बी तक जाने का जो एज है उसका कोई भी एक वैल्यू असाइन कर दी जाएगी, जैसे मान लो इसकी 5, इसकी 4, इसकी 2, इसकी 1, 3, कुछ भी। तो ये क्या हुआ, ये वेट इसको बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वेट यहाँ पे समझ आ गया। एक होता है एडजेसेंट नोड, एडजेसेंट नोड पहला पाथ हो गया, दूसरा वेट हो गया, तीसरा हो गया एडजेसेंट नोड। सो एडजेसेंट नोड क्या होता है कि एक जो दो नोड होते हैं, एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड है, तो जो उस नोड से जो कनेक्टेड है उसका जो नोड है वो एक नोड दूसरे नोड का एडजेसेंट नोड कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल से आपको बताऊँ कि मान लो ए है, ये किस किस से कनेक्टेड है, ये बी से कनेक्ट है और ये डी से कनेक्ट है। तो ए के एडजेसेंट नोड क्या हो जाएंगे, ए के एडजेसेंट नोड क्या हो जाएगा, बी और डी, क्योंकि ए किससे कनेक्ट है डायरेक्ट, बी से और डी से कनेक्ट है। सो एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होता है तो उस नोड के लिए बाकी का नोड है, दूसरा नोड है, वो क्या कहलाएगा एडजेसेंट नोड, या ऐसे समझ सकते हैं कि उसके पास वाला नोड, उससे जो कनेक्टेड नोड है डायरेक्टली वो वाला नोड। सो एडजेसेंट नोड आपको समझ आ गया, वो क्या होते हैं पास वाला नोड जिससे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे ए का एडजेसेंट नोड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा और डी हो जाएगा, क्योंकि ए बी और डी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और लास्ट टाइम हम बात करते हैं, चौथा पॉइंट है जो है डिग्री ऑफ ए नोड क्या होता है। एक नोड की डिग्री क्या हो जाएगा कि वो कितने एजेस से कनेक्टेड है, एक नोड की डिग्री क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कनेक्टेड एजेस। डिग्री क्या हो जाएगा मैं यहां पे लिख देता हूं, डिग्री क्या हो गया नंबर ऑफ एजेस, मैं शॉर्ट में लिखा नंबर ऑफ एजेज, या कह सकते हैं इसको नंबर ऑफ कनेक्टेड एजेज। तो एक नोड है जिससे कितनी एजेज यहाँ पे कनेक्टेड हैं, तो वो उसकी डिग्री कहलाएगा। जैसे मैं बात करूँ अगर यहाँ पे बी की, ठीक है, तो बी की डिग्री क्या हो जाएगा, बी की डिग्री हो जाएगा ये कितने एजेज से कनेक्टेड है, नंबर ऑफ एजेज 1, 2 और 3। तो B की डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, क्योंकि B है जो 3 एजेस से कनेक्टेड है। सो डिग्री समझ आ गया, किसी भी नोड की डिग्री क्या होता है, नंबर ऑफ कनेक्टेड एजेस। ऑलराइट, जैसे हम E की डिग्री की बात करें तो E की डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 एजेस से कनेक्टेड है। ऑलराइट, तो ये चीज़ यहाँ पे समझ आ गई होगी। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ग्राफ है बेसिकली जिसके टाइप, ग्राफ है जो दो टाइप का हो सकता है, एक तो हो जाएगा डायरेक्टेड ग्राफ और एक हो जाएगा अनडायरेक्टेड ग्राफ। और दूसरा हो जाएगा डायरेक्टेड ग्राफ। अब नाम से ही पता चल रहा है अनडायरेक्टेड मतलब जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, और दूसरा होता है डायरेक्टेड ग्राफ मतलब जिसमें डायरेक्शन भी आपको दी जाती है कि ए से बी तक जा सकते हैं हम, बी से सी तक जा सकते हैं, इस तरीके से डायरेक्शन वहाँ पे गिवन होती है। अब डायरेक्शन कैसे होती है, एरो की सहायता से होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल समझाऊँ, अनडायरेक्टेड क्या हो गया विदाउट डायरेक्शन, ऐसे समझ सकते हैं।
मतलब उसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं होती है, और डायरेक्टेड में क्या होता है विद डायरेक्शन, एजेज में आपको डायरेक्शन भी दी होगी। अब मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ क्या होता है। अगर हम पहला बात करें अनडायरेक्टेड की, तो ये तो हमने अभी बनाया था वही एक अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया, अनडायरेक्टेड ग्राफ था ये भी बनाया था जो ए बी सी डी और ई, ये क्या हो गया एक अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया, क्योंकि इसमें कुछ डायरेक्शन नहीं दिए। मतलब हम ए से बी भी जा सकते हैं और बी से ई भी वापस आ सकते हैं, हम दोनों साइड में जा सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं दिया कि आप ए से बी ही जा सकते हैं वापस, बी से ए नहीं आ सकते हैं। तो दोनों साइड में एक तरीके से अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें कोई डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन आपको नहीं किए, तो ये क्या हो गया अनडायरेक्टेड ग्राफ। एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ, दूसरा क्या होता है डायरेक्टेड ग्राफ। अब डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होगा कि आपको डायरेक्शन भी यहां पे मेंशन होगी साथ में, जैसे ए से बी सी, मैं इसी को वापस बना देता हूं डी और ये हो गया ई, ठीक है। तो अब इसमें कुछ डायरेक्शन आपको दी हुई, जैसे ए से बी आप जा सकते हैं मान लो, और बी से आप सी जा सकते हैं, और इस तरीके से आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे आपको डायरेक्शंस आपको गिवन होगी, ठीक है, और मान लो इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस आपको गिवन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए से बी के लिए एरो ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब है कि हम ए से बी ही जा सकते हैं, बी से ए वापस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आपको मेंशन की है कि आप ए से बी जा सकते हैं बट बी से ए वापस नहीं आ सकते हैं। ओके, सो इसमें मैं डायरेक्शन कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, कैसे भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरो के साइन से मान लो ये डायरेक्शन इसमें ऐसे इस तरीके से है, ठीक है। सो इसमें क्या है एरो के सहायता से हम डायरेक्शन भी मेंशन करते हैं, जैसे मैंने ए से बी के लिए एरो लिया है, मैं अगर ऐसे लिख रहा हूँ नोड ए से नोड बी, सो इसका मतलब क्या है कि आप ए से बी ही जा सकते हैं, बी से ए वापस नहीं आ सकते हैं, इसमें डायरेक्शन भी मेंशन है आपको। ओके, ये होता है डायरेक्टेड ग्राफ। तो एक हो जाएगा अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसमें डायरेक्शन नहीं होते विदाउट डायरेक्शन, दूसरा हो जाएगा डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें डायरेक्शन आपको मेंशन होती है, डायरेक्टेड ग्राफ कहलाएगा। ओके, समझ आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन मतलब कि ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये तो हो गया हमने ग्राफ को समझ लिया, बट अगर हम इसको प्रोग्रामिंग में यूज करना चाहें तो कैसे इसके लिए कोड लिखेंगे, कैसे इस तरीके से मेंटेन करेंगे इस ग्राफ को, तो इसको मैं यहाँ पर देख लेते हैं। इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो जाएगा सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, और एक हो जाएगा यहाँ पे लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो जाएगा सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन और एक हो जाएगा लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम देख लेते हैं सबसे पहले, तो सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन है इसको किसकी सहायता से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यूजिंग एडजेसेंट मैट्रिक्स, एडजेसेंट मैट्रिक्स। सो सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन मतलब इसको कैसे हम इसको स्टोर करेंगे प्रोग्रामिंग में, अगर देखा जाए तो इसको मैट्रिक्स का यूज करके स्टोर करेंगे। अब मैट्रिक्स का यूज कैसे करते हैं, जैसे मैं उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे बनाता हूँ, वापस से ए से बी हम जा रहे हैं, बी से सी हम जा रहे हैं, और ये हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा लेट से इस तरीके से कुछ हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है। सो अब इसको रिप्रेजेंट करना वो कैसे करेंगे, हम बात करते हैं पहले तरीके की सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, जो कि यूजिंग मैट्रिक्स के लिए होता है। मतलब इसमें आपको एक 2D मैट्रिक्स है उसको यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। तो 2D मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा, जैसे इसमें नोड्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें अगर 5 नोड है तो 5x5 की यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, 5 नोड है तो 5x5 की यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। वी मतलब वर्टिसिक्स है, जितने वर्टिसिस हैं उतने की यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे, 5 वर्टिसेस तो 5x5 की यहाँ पे एक वर्टिक्स बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे ए बी सी डी ई,
और इधर हो जाएगा ए बी सी डी और ई। क्या हुआ, मतलब एक 2D टेबल यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे। रिप्रेजेंटेशन बता दें ग्राफ को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। टू डी टेबल को यहाँ पे मेंटेन करेंगे इस तरीके से कुछ, ठीक है। एक मिनट, ओके, इस तरीके से एक 2D टेबल यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे। तो अब इस ग्राफ को हमें रिप्रेजेंट करना है, इस ग्राफ को हमें रिप्रेजेंट करना है जो हमें बना रखा है यहाँ पे। तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए A से B तक हम जाएंगे। अगर A से B तक हम जा सकते हैं, A से B नोड कनेक्टेड है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, एक वैल्यू 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं A से A जाऊंगा तो A से A, तो यहाँ पे A से A मतलब A से A, अब 2D मैट्रिक्स देखा होगा आपने, I इंटू J करते हैं इस तरीके से। A से A जाएंगे पहले, फिर A से B देखेंगे, A से C देखेंगे, A से D देखेंगे और A से E देखेंगे, फिर B से A, B से B, B से C, इस तरीके से, ठीक है। तो A टू A तो यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि A से A कोई कनेक्शन नहीं है एक तरीके से, तो 0 आएगा। अब हम देखेंगे A से B, तो A से B जा सकते हैं कि इस ग्राफ में देखेंगे A से B जा सकते हैं, तो हम A से B जा सकते हैं, तो A से B क्या हो जाएगा यहाँ पे जा सकते हैं, मतलब उसमें एक रास्ते A से B कनेक्टेड एक तरीके से कनेक्शन वहाँ पे है। तो A से B 1 यहाँ पे लिखेंगे, फिर देखेंगे A से C, A से C हम डायरेक्ट बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्टेड है, क्या हम बात करें डायरेक्ट कनेक्टेड की, तो A से B डायरेक्ट, A से C डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो 0 आ जाएगा। A से D, A से D कनेक्टेड है तो 1 आ जाएगा। A से E, A से E 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से मतलब जो नोड डायरेक्टली कनेक्टेड है जिस नोड से, उसके लिए हम 1 लिखेंगे और जो कनेक्टेड नहीं है उसके लिए 0 लिखेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब यहाँ पे ए हो गया, अब बी की बात करते हैं। बी से ए, बी से ए जा सकते हैं क्योंकि ये तो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें कहीं भी जा सकते हैं, इसे बी, बी से ए, तो बी से ए कनेक्शन है, बी से ए 1, बी से बी 0, बी से सी, बी से सी कनेक्टेड है 1, बी से डी, बी से डी भी कनेक्टेड है और बी से ई, बी से ई कनेक्शन नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। मैं सी से ए देखता हूँ, सी से ए, सी से ए कनेक्शन नहीं है, सी से बी कनेक्शन है, सी से डी, सी से डी नहीं है, सी से ई, सॉरी सी से सी 0 आएगा और सी से डी भी 0 आएगा, सी से ई 1 आ जाएगा। इस तरीके से डी से ए, डी से ए कनेक्टेड है, डी से बी कनेक्टेड है, डी से ई कनेक्टेड है, डी से डी 0 और डी से ई 1 और एक लास्ट हो जाएगा ई। ई से ए देखेंगे, ई से ए कनेक्टेड नहीं है, ई से बी कनेक्टेड नहीं है, ई से सी कनेक्टेड है और ई से ई 0 आएगा, ई से सॉरी ई से डी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा और ई से ई 0 आएगा। तो ये इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया अगर हम प्रोग्राम में लिखेंगे। तो इस तरीके से कुछ 2D मैट्रिक्स मेंटेन करेंगे और 2D मैट्रिक्स में देखेंगे कि जहाँ पे नोड कनेक्टेड है उसमें हम उसके करस्पॉन्डिंग 1 स्टोर करेंगे और जहाँ पे नोड कनेक्टेड नहीं है तो वहाँ पे हम 0 स्टोर करेंगे। तो अब इससे हम देख सकते हैं, इसको ग्राफ को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, अब हम कहीं भी देख सकते हैं। हम देखना चाहते हैं कि मान लो ई से बी कनेक्टेड है या नहीं, तो हम क्या सिंपल देखेंगे, हम देखेंगे ई से बी, ई से बी ई ये रहा और बी ये रहा, तो ई से बी में देखेंगे 0 है, इसका मतलब कनेक्शन नहीं है। हम देखना चाहेंगे मान लो कि बी डी से कनेक्शन है या नहीं है, तो बी टू टी डी देखेंगे तो बी ये रहा इस रो में और डी कहाँ है, ये रहा, तो बी से डी देखेंगे यहाँ पे 1 है, 1 है इसका मतलब क्या है, वहाँ पे कनेक्शन है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमें वही तो स्टोर करना है कि नोड क्या हो जाएंगे और वहाँ पे कनेक्शन है, उनके बीच में कोई एज है तो 1 स्टोर करवा देंगे, एज उसके बीच में नहीं है तो 0 स्टोर करवा देंगे। तो ये हो गया यहाँ पे एडजेसेंट मैट्रिक्स का यूज करके आप नोड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया यहाँ पे अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में। अगर हम बात करें डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में तो उसमें सिंपल डायरेक्शन आपको दी जाएगी, ठीक है, डायरेक्शन वहाँ पे दी जाएगी कि ए से बी, आपने देखा ए से बी जा रहे हैं तो ए से बी अभी क्या है, हम जा सकते हैं तो 1 यहाँ पे स्टोर किया, बट बी से ए मान लो ऐसे कोई डायरेक्शन दे दिए तो बी से ए नहीं जा सकते हैं, तो बी से ए यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन भी आपको गिवन होगी, तो डायरेक्शन आपको गिवन होगी तो आप बी से ए वापस नहीं जा सकते। तो ये मेरे हिसाब से बनाने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। जैसे डायरेक्टेड ग्राफ में क्या हो जाएगा कि आपको कुछ डायरेक्शन दी जाएगी,
इस तरीके से मान लो ए से बी जा सकते हैं, बी से सी जा सकते हैं, और इस तरीके से मैं रैंडमली कुछ भी डायरेक्शन यहाँ पे दे पा रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ हो गया, ठीक है। तो डायरेक्टेड ग्राफ को आपको रिप्रेजेंट करना है, सेम उसी तरीके से टेबल बनाएंगे आप ए बी सी डी ई, और इधर भी ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो अब आप क्या देखेंगे इसमें, ए से ए जीरो आ जाएगा, बट आप देखेंगे ए से बी, ए से बी जा सकते हैं, ए से बी तो वन लिखेंगे, ठीक है। और ए से सी नहीं जा सकते, कनेक्टेड नहीं मतलब जीरो, ए से डी, ए से डी आप देखें, ए से डी अगर ए से डी की बात करें तो कोई यहाँ पे रास्ता नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, ए से डी कोई एरो नहीं है, डी से ई, डी से ए हम जा सकते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे देखा ए से डी क्या लिखा था, ए से डी वन लिखा था, क्योंकि ए से डी हम जा सकते हैं, डी से ए भी जा सकते हैं, बट इसमें ये डायरेक्टेड ग्राफ है तो इसमें ए से डी जा नहीं सकते, हम डी से ए जा सकते हैं। सो ए से डी के लिए हम जीरो लिखेंगे और ए से ई के लिए भी हम यहाँ पे जीरो लिखेंगे। बट अब हम देखते हैं वापस बी से ए, क्या बी से ए जा सकते हैं, बी से ए नहीं जा सकते, ए से बी जा सकते हैं, तो बी से ए के लिए यहाँ पे जीरो आएगा। पहले यहाँ पे बी से ए के लिए देखा वन लिखा था, तो बस इसमें इस तरीके से यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं सिंपल। बस इसमें आपको डायरेक्शन भी दी जाएगी, अगर ए से बी आप डायरेक्शन दी हुई है तो ए से बी जा सकते हैं, बी से ए नहीं आ सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ के लिए, और अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन। सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि बाय यूजिंग एडजेसेंट मैट्रिक्स, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं सेकंड तरीका नोड को रिप्रेजेंट करने का, वो हो जाएगा बाय यूजिंग लिंक लिस्ट। आप लिंक लिस्ट का यूज करके भी यहाँ पे ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं उसी ग्राफ को बना लेता हूँ, ए से बी, बी से सी, डी, इस तरीके से, ठीक है। ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, पहले हम अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि लिंक लिस्ट को मेंटेन किया जाएगा। लिंक लिस्ट को कैसे मेंटेन किया जाएगा कि हर नोड के लिए लिंक लिस्ट बनेगी। जैसे ए ये नोड है हमारे पास, एक नोड बी है, एक नोड सी डी और ई, ठीक है। हर नोड के लिए लिंक लिस्ट बनेगी। तो अब ए किस किस से कनेक्टेड है उसके लिए लिंक लिस्ट मेंटेन करेंगे, इसी तरीके से बी किस किस से कनेक्टेड है उसके लिए हम लिंक लिस्ट यहाँ पे मेंटेन करेंगे। सो ए के लिए देखते हैं, ए किस किस से कनेक्टेड है, ए से बी हम जा सकते हैं और ए से डी भी जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो गया, ए से बी। अब लिंक लिस्ट आपने पढ़ा है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। एक में डेटा हो गया ए से बी, और इसमें क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नोड का पाथ, बी से हम डी भी जा सकते हैं, तो बी से हम डी भी जा सकते हैं इस तरीके से, और डी से हम डी से ई भी जा सकते हैं। तो डी से, आई एम सॉरी, ए किस किस से कनेक्टेड है वो आपको देखना है, बस ए से बी और ए से डी, ठीक है, बस इतना ही देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, इसमें कुछ नहीं है क्योंकि आगे इसमें कोई नहीं है, तो इसमें नल डाल देंगे। और बी से देखेंगे, तो बी से आप देखेंगे बी से ए भी जा सकते हैं, तो बी से ए हो जाएगा, बी से सी भी जा सकते हैं और बी से डी भी जा सकते हैं इस तरीके से। और सी से देखेंगे, मतलब एक लिंक लिस्ट मेंटेन करेंगे हर नोड के लिए। सी से जाएंगे, तो सी से आप देखेंगे सी से बी भी जा सकते हैं, तो सी से आप यहाँ पे बी भी जा सकते हैं और सी से ई भी यहाँ पे जा सकते हैं, दो ही होगा इसके लिए। सी से बी जा सकते हैं, सी से ई जा सकते हैं। और डी से देखेंगे, डी से ए भी जा सकते हैं, डी से ए जा सकते हैं और डी से बी भी जा सकते हैं और डी से ए भी यहाँ पे हम जा सकते हैं। जा सकते हैं का मतलब कनेक्शन है उनके बीच में, ठीक है, कोई एज उनके बीच में एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से हम ई के लिए भी कर देंगे, ई से आप सी भी जा सकते हैं और ई से आप डी भी जा सकते हैं, मतलब उनके बीच में कोई कनेक्शन है। तो ये क्या हुआ, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन हुआ, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन हुआ किसका, ग्राफ का। और ग्राफ कौन सा है, हमने यहाँ पे बात की है अनडायरेक्टेड ग्राफ की। अब इसी तरीके से अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ करेंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टेड ग्राफ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे आपको इसमें डायरेक्शन दी जाएगी, अगर डायरेक्शन गिवन है तो आप उन डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे लिंक लिस्ट बना सकते हैं। मान लो मैं ए से यहाँ पे बनाऊंगा, तो ए से आप देख सकते हैं अब की बार बी जा सकते हैं हम,
तो ए से सिर्फ बी ही जा सकते हैं आगे, कोई और नोड कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली ए से बी कनेक्टेड है बस। तो इसके लिए ए की होगी, पहले ए से डी भी कनेक्टेड था बट अब ए से डी नहीं है, आप देख सकते हैं ए से डी कोई कनेक्शन नहीं है, डी से ए है। तो सिंपल ऐसे ही करेंगे, इसी तरीके से बी के लिए कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। बी से देखेंगे, बी से आप सी भी जा सकते हैं और बी से आप डी भी जा सकते हैं। तो बी से आप सी भी जा सकते हैं और बी से आप डी भी जा सकते हैं। सो इस तरीके से आप बाकी नोड्स का भी यहाँ पे कर सकते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन सिंपल है। दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन था, एक तो था यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, जो कि हम एडजेसेंट मैट्रिक्स एक टू डी मैट्रिक्स का यूज करके यहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम लिंक लिस्ट को मेंटेन करके यहाँ पे उस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब आगे हम बात करेंगे, लास्ट अगली वीडियो में बात करेंगे ग्राफ ट्रैवर्सल के बारे में। ग्राफ ट्रैवर्सल, इसके दो मेथड होते हैं, एक तो होता है BFS मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च, और एक होता है DFS मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ग्राफ ट्रैवर्सल के बारे में, ट्रैवर्सल क्या होता है आपको पता ही है कि विजिटिंग एवरी नोड्स, ईच नोड को विजिट करना ही ट्रैवर्सल कहलाता है। तो किस तरीके से ट्रैवर्स कर सकते हैं, दो मेथड है BFS DFS, और इनको हम यहाँ पे आगे की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो PDF है, जो क्लास नोट्स है, एक तरीके से इसकी PDF बना के मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे। That's it for today. Thanks for watching this video. मिलते हैं next video में next topic के साथ। तब तक bye bye and take care.